नमस्कार, मेरे चैनल होम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने ये लिए हैं पुराने पिलो कवर। इसकी चादर मेरी ख़राब हो गई थी और ये कवर अभी ठीक है, तो मैं इनका आज रीयूज़ करूँगी। तो मैंने जो ये कपड़ा लिया है, आज मैंने ये गोल पिलो बनाने के लिए लिया है। तो इसमें कपड़ा ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपको नया ही रखना है, आप पुराने कपड़े से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक कवर लिया और उसकी कटिंग कर ली, जो बाहर वाला कपड़ा मैंने उसको काट लिया और इस तरह फोल्ड करके रख दिया। और फोल्ड करके अब हम इसको नाप लेते हैं ये कितना है। तो ये 24 इंच इसकी लंबाई है और इसकी विड्थ है 12 इंच, डबल में है। 24 इंच लेंथ है और विड्थ है 12 इंच। इसका इससे अब हम गोल पिलो बनाएंगे। तो ये देखिए, एक साइड से मैंने इसमें सिलाई कर रखी है, तो ये डबल मैंने कर लिया है और अब हमें दूसरी साइड से इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई किस तरह करनी है ये देखिए, आप बीच में 6 से 10 इंच तक आप बीच में सिलाई ना करें, इसे रोक दें इतने कपड़े को, और इससे इस साइड भी सिलाई कर लें और दूसरी साइड भी सिलाई कर लें। आपका ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में निशान आए, ये इतना कपड़ा आपको छोड़ देना है सिलने से, इधर उधर हो जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और अब हम ये दूसरा जो कवर है, इसमें से हम एक राउंड पीस निकालेंगे। तो इस तरह मैंने एक कटोरी ली और इससे एक सर्कल बनाया, डबल में है ये भी, और इस सर्कल को मैं काट लूँगी। ये देखिए, सर्कल काट लिए मैंने, ये दो सर्कल हैं इस तरह से। अब हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई मैंने कर दी है और इस साइड से भी कर दी है, बीच में मैंने इतना खुला छोड़ा है और दोनों साइड से भी खुला है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब हम इस पर सिलाई करते हैं। सिलाई कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इसमें एक साइड से लेना है, इस तरह से मशीन रखनी है इस पर, और धागा थोड़ा लंबा निकाल लेंगे हम। और इस मशीन की जो चाल है वो हमें लंबी कर लेनी है, क्योंकि हमें इससे जो फ्रिल बनाएंगे तो वो इससे बहुत ही अच्छे बैठते हैं। ये मैंने उसको ढीला किया और ये पूरा ऊपर लगा लिया, तो ये हमारी काफ़ी लंबी चाल हो गई अब इसकी। तो लंबा लंबा धागा इसमें आएगा तो फ्रिल अच्छे बैठेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ये मशीन चला देनी है पूरी एक साइड में, और ये काफ़ी लंबी चाल इसमें आ रही है, लंबा लंबा धागा है तो इसमें फ्रिल अच्छे आएंगे। थोड़ा लंबा धागा हमें काटना है। ये देखिए, इस तरह से एक साइड से एक धागे पकड़ेंगे और उसको इस तरह से खींच लेंगे, खींचते हुए हम फ्रिल बना लेंगे, और दूसरी साइड से भी धागा खींच लेंगे ताकि धागा निकले ना। कभी कई बार ऐसा होता है, हम एक साइड से धागा खींच लेते हैं और दूसरी साइड से निकल जाता है, तो हमने दोनों साइड से धागे खींचने हैं और इस तरह से बराबर कर लेना है गोलाई में। और जो हमने राउंड पीस निकाला था उसको ऐसे फोल्ड किया और ये हम दोनों साइड में इसमें निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये काट के गुटका लगा लिया इसमें, और अब हमें इसे नापना है, ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये भी हमारा डबल है। तो इस तरह से हम नाप के देख लेंगे कि हमारा सही बैठेगा या नहीं। तो ये देखिए, अभी थोड़ा छोटा है तो हम इसको इस तरह से ढीला करते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसको आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम लगा के देखते हैं, तो देखिए ये पूरा बैठा है बिल्कुल। तो हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें पिलो कवर जो हमारा है, तो इसमें हमें पहले करना क्या है, दोनों साइड, अगर आपका एक जैसा कपड़ा है तो आप दोनों साइड निशान, एक साइड तो सिलाई आ जाएगी, दूसरी साइड निशान लगाने। मेरी दोनों साइड सिलाई है तो मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो अब ये सिलाई मैंने बड़ी की थी, तो इसे मैंने फिर से छोटा कर लिया और अब मैं इस पर सिलना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने राउंड पीस फ्रिल के ऊपर रखा और इस तरह से मैं गोल गोल आगे करते हुए और सिलती जाऊंगी, फ्रिल के ऊपर पीस रख के, और इस तरह से हम सिलते जाएंगे। और जब बीच में आ जाएगा तो हम इसको नाप लेंगे। ये देखिए, थोड़ा बड़ा बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें तो फ्रिल डालने हैं, हम थोड़े ज़्यादा फ्रिल डाल देंगे। इस तरह रखते हुए पूरा हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा सिल लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं मैं इनको काट लूँगी। दोनों साइड से मैंने लगा लिया, दूसरी साइड से भी इसी तरह लगाया। अब जो बीच में हमने जगह छोड़ी थी खुला भाग, उसमें से हम इसको सीधा कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से आया ये राउंड पीस बन के। और ये पिलो हमारा तैयार है। अब हमें इसमें भरना है। आप इसमें रुई भर सकते हैं या फिर फोम वगैरह भर सकते हैं। मैं इसमें कतरन भरूंगी, जो कपड़ों की बची हुई, जो लोग सिलाई करते हैं उनके पास बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है छोटा छोटा, तो इसी तरह मेरे पास भी है, तो मैं इसमें इसको भर लूँगी। और अच्छे से ये देखिए मैंने भर लिया है और ये पूरा हमारा पिलो तैयार हो गया है। अब हम इसको यहाँ से एक सुई की सहायता से इसको सिल देंगे। और फ्रेंड्स इसका जो कवर है, मैं अगली वीडियो में इसका कवर बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर किया करें, इस कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप कैसी वीडियो पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया है और ये हमारा बढ़िया पिलो बन के तैयार हो गया है। इसे थोड़ा जो डोढ़ा हुआ है, कहीं से पतला है कहीं से मोटा, तो हम इस तरह एक स्केल की सहायता से इसको ऊपर से मारेंगे, तो ये जहाँ पे कम होगा धागा, वहाँ जो कतरन हमारी कम होगी वहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगी और ये पूरा एक सार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पिलो बन के तैयार है, कितना सुंदर पिलो बना है।